नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल डी गार्डन में आपका तहे दिल से स्वागत है और आप बने हुए हैं डी विधामा के साथ। किसान भाइयों, आज मैं बात करूंगा मिट्टी के बारे में। हम अपने खेत की मिट्टी लेकर के घर पर ही एक सिंपल सी जांच करके पता लगा सकते हैं कि किस खेत की मिट्टी हमारी खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। किसान भाइयों, ये हमारी मिट्टी है, ये कई प्रकार की मिलती हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। लेकिन इन तीनों मिट्टियों में किसान भाइयों, पोटाश और चूने की मात्रा तो काफ़ी रहती है, लेकिन इसमें फास्फोरस, एसिडिक, ह्यूम्स, नाइट्रोजन की मात्रा कुछ कम रहती है। और एक हमारी होती है किसान भाइयों, रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी में ह्यूम्स बहुत मिलता है, लेकिन इसमें और तत्वों की कमी हो जाती है। तो किसान भाइयों, हम अपने खेत की मिट्टी लेकर के एक बहुत ही सिंपल तरीके से अपने घर पर ही इसकी जांच करके देख सकते हैं कि किस खेत की मिट्टी हमारी ज़्यादा उपयुक्त है। तो उसके लिए किसान भाइयों, हमें अपने खेत की मिट्टी की आवश्यकता होगी। देखिए, मैं अपने खेत पर आ चुका हूँ। किसान भाइयों, ये मेरे गन्ने का खेत है, जो कि मैंने गेहूँ कटाई के बाद मैंने इसमें गन्ने की बुआई की है। और इसके जो बीच की गहराई है किसान भाइयों, खूड के बीच की गहराई भी हम कह सकते हैं, वहाँ से हमें मिट्टी लेनी है। आप अपनी पेड्डी या पौधे में से भी मिट्टी ले सकते हैं। अगर आपके पेड्डी या पौधे में किसान भाइयों कुछ खरपतवार हैं, तो आप उसको ऊपर से हटा दें और वहाँ से मिट्टी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, देखिए, इस तरीके से हमें बी के आकार का एक गड्ढा कर लेना है। ऊपर की मिट्टी हमें एक तरफ हटा देनी है, वो हमें नहीं लेनी है जाँच के लिए। हम थोड़ी नीचे की मिट्टी लेंगे और ये मिट्टी देखें, हमने इसमें से ऊपर की निकाल दी है, कुछ गहराई का हमने गड्ढा कर लिया। किसान भाइयों, ये हम मिट्टी जो लेंगे, इसकी लगभग 15 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे से लेंगे। ये किसान भाइयों, आप जैसा वीडियो में देख पा रहे हैं, ये मैंने लगभग 15 सेंटीमीटर का गड्ढा कर लिया है। ये देखिए, यहाँ तक का ये 15 सेंटीमीटर, ये आप जैसा आप देख पा रहे हैं, और ये मैंने इसको कर लिया है। आप भी कुछ इसी तरीके से कर सकते हैं। और मैंने इसमें से अब नीचे से मिट्टी ले लेनी है, कुछ इस तरीके से आप मिट्टी नीचे की निकाल लेंगे जांच के लिए। ये देखिए किसान भाइयों, आप कुछ इस तरीके से नीचे की मिट्टी ले लेंगे और इसी तरीके से आप अपने दो या तीन खेत की मिट्टी लेकर के उसकी जांच कर सकते हैं। किसान भाइयों, उन तीनों मिट्टियों को आप अलग अलग रखेंगे, एक जगह नहीं मिलाएंगे। ये देखिए किसान भाइयों, मैंने अपने तीन खेतों की मिट्टी अलग अलग ले ली है। तीन खेतों से मैं मिट्टी लेकर के आ गया हूँ। और इसको लेने के बाद अब हमको करना क्या है कि मैं इसमें से थोड़ी मिट्टी लेकर के इसकी कुछ इस तरीके से गोली बना लूँगा। ये देखिए, इस तरीके से आप इसकी अच्छी तरीके से एक गोली बना लेंगे। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने एक गोली बना ली है। और दूसरे खेत की मिट्टी किसान भाइयों ले करके इसी तरीके से मैं दूसरी गोली बना लूँगा, और तीसरी भी गोली किसान भाइयों हमें कुछ इसी तरीके से बना लेनी है। तो ये देखें, हमारी तीनों गोलियाँ बन करके तैयार हो चुकी हैं। इसके बाद हमें करना क्या है, हमें डिस्पोजल गिलास चाहिए, तो हम तीन डिस्पोजल गिलास ले लेंगे। ये मैंने डिस्पोजल गिलास ले लिए हैं। और किसान भाइयों, आप इनमें पानी ऊपर तक भर लें। ये देखिए, मैंने इसमें पानी भर लिया है, कुछ इस तरीके से आप तीनों गिलासों में पानी ले लेंगे। तो पानी लेने के बाद किसान भाइयों, इसमें हम एक एक गोली कुछ इस तरीके से डाल देंगे, और डालने के बाद हम इसे 10-12 घंटे के लिए कम से कम छोड़ देंगे। एक बार या दो बार हम इसे बीच में चेक करते रहेंगे। 4 घंटे हो चुके हैं और 4 घंटे बाद हम देखते हैं अपनी गोलियों को, इनको चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए किसान भाइयों, जो हमारे पहले नंबर की गोली थी वो जों की तुई है, और दूसरे नंबर की जो गोली हमने डाली थी उसमें से कुछ मिट्टी पानी में घुल चुकी है, और तीसरे नंबर की गोली दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से कुछ ज़्यादा घुल चुकी है। तो 4 घंटे बाद का ये रिजल्ट है किसान भाइयों। तो अब हम इसे कुछ समय के लिए और छोड़ देते हैं, और कुछ समय बाद फिर देखते हैं। 6 घंटे बाद, तो ये देखें किसान भाइयों, 6 घंटे हो चुके हैं, और 6 घंटे बाद जो हमारे तीसरे नंबर की गोली हमने पानी डाली थी ये पूरी तरह से घुल चुकी है, और ये दूसरे नंबर की गोली भी लगभग घुल ही चुकी है, और जो ये पहले नंबर की गोली है किसान भाइयों, ये थोड़ा भी बाकी है, और इसे हम कुछ समय के लिए और छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं। 9 घंटे बाद,
9 घंटे हो चुके हैं किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो पहले नंबर की मिट्टी हमारी है ये 9 घंटे बाद भी पूर्णतः नहीं घुली है। जो मिट्टी हमारी 9 से और 12 घंटे में घुल जाती है उसको हम अति उत्तम मिट्टी कह सकते हैं। इसमें सभी प्रकार की फसलें हम ले सकते हैं। और ये दूसरे नंबर की मिट्टी किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये घुल चुकी है, लेकिन इसके पानी का रंग साफ है और इसको हम उत्तम मिट्टी कह सकते हैं। और ये तीसरे नंबर की मिट्टी किसान भाइयों, जैसा कि आप गिलास में देख पा रहे हैं 4 से 6 घंटे के बीच में ही घुल गई थी और इसके पानी का रंग भी थोड़ा मटमैला हो गया है और ऊपर की जो किनारी की सतह है वो भी थोड़ा पीली पड़ गई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसे हम ज़्यादा अच्छी मिट्टी की संज्ञा नहीं दे सकते, इसमें हमारी फसलें जो है कमज़ोर होंगी। तो इस तरीके से आप घर पर एक बहुत ही सादा और सिंपल तरीके से किसान भाई अपनी जांच कर सकते हैं कि हमारी किस मिट्टी में कितना दम है। जो मिट्टी हमारी 4 से 6 घंटे के बीच में घुल जाए और पानी का रंग थोड़ा मटमैला हो जाए ये समझ ले वो मिट्टी अच्छी प्रकार की नहीं कह सकते। और जो मिट्टी किसान भाइयों 6 से और 9 घंटे के बीच में घुलती है और लेकिन पानी का रंग थोड़ा साफ रहता है उसको हम उत्तम मिट्टी कह सकते हैं। और जो मिट्टी किसान भाइयों 9 से 12 घंटे के बीच में घुलती है और पानी का रंग बिल्कुल साफ रहता है उसे हम अति उत्तम मिट्टी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर पर ही एक सादा और सिंपल तरीके से मिट्टी की जाँच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारी कौन से खेत की मिट्टी किस प्रकार की और किस खेती के योग्य है। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। एक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।